हाय फ्रेंड, ऑलटेक सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रेडमी एंड पोको फ़ोन के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप पर्सनल हॉटस्पॉट जो आप मैंने क्लिक किया है उसको सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देना है। और मैंने इसे एक्टिव कर दिया है, तो आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। इसके कुछ सेटिंग्स है, जैसे आप यहाँ से पासवर्ड आपका सेट कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, और शेयर क्यूआर कोड पे क्लिक करके आप क्यूआर स्कैन, अगर आप अगला कोई दूसरा फ़ोन आपके क्यूआर को स्कैन करता है तो बिना पासवर्ड बताए वो भी आपका जो हॉटस्पॉट है यूज़ कर सकता है। इसमें आप लिमिट डाल सकते हैं कि आपको आपको हॉटस्पॉट में जिसको आप वाईफाई दे रहे हैं उसको कितनी लिमिट देना है। जैसे 1 टाइम डाटा लिमिट 1 GB है, इससे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे रखे, अगर आपका हॉटस्पॉट को यूज़ नहीं कर रहे तो इस पर आप क्लिक करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाएगा, जिससे कि आपके बैटरी की बचत होगी। और इसमें एक ब्लूटूथ टीचरिंग ऑप्शन है, जिससे आप ब्लूटूथ से भी डाटा शेयर कर सकते हैं फ़ोन का। और एक USB टच ईयरिंग है, इसको भी क्लिक करके फ़ोन का डाटा सेट कर सकते हैं, मतलब इस जो वाईफाई आपको यूज़ कर रहा है उसको दे सकते हैं। इसमें कोई सिस्टम हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या टेबलेट हो सकता है। और जैसे आपका फ़ोन का डिवाइस कनेक्ट रहेगा तो आप यहाँ से डिवाइस ब्लैक लिस्ट में जाके ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, और जो लिमिट है वो भी लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही कि आपको जो बोलना चाहिए पर्सनल हॉट स्पॉट के बारे में जानकारी देना था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।